व्हाट्सएप करो चलो आप चलो व्हाट्सएप निकाल दो निकाल दो। के दिन सुबह 3 बजे अपना आईएस सदन पीएस लिमिट्स में एक मर्डर केस रिपोर्ट हुआ। उसका क्राइम नंबर है 281/23 अंडर सेक्शंस 302, 148, 201 रेड विद 149 एंड ऑल्सो सेक्शन 25 ऑफ इंडियन आर्म्स एक्ट में केस रजिस्टर हुआ। इसमें डिसीज्ड का डिटेल्स मोहम्मद तारिक 39 ईयर्स ओल्ड है, ऑक्यूपेशन रियल एस्टेट है। उसमें हमें सीसीटीवी फुटेज एनालाइज किया और जो भी टेक्निकल डाटा मिला वो भी एनालाइज करके इसमें 8 लोगों को अप्रेंट किया हमने। इसमें 7 लोग जो इन्वॉल्व हुआ उसमें मर्डर में इन्वॉल्व हुआ और एक बंदा मनेगोड़ा का रेजिडेंट है, वो स्क्रीनिंग ऑफ एविडेंस अंडर सेक्शन 201 में इसको इंक्लूड किया। मेन मोटिव, ये मर्डर का मेन मोटिव है, ये जो भी अक्यूज्ड है इसमें A1 छोटू, ये PDS राइस का बिजनेस करते, बाकी जो भी अक्यूज्ड A2 to A6 ये लोग भी पूरा उसको जो भी मटेरियल मतलब कलेक्ट करके उसको बल्क में देते, वो आपस में छोटू A1 बीदर में PDS राइस का बिजनेस कर रहे। इसमें क्या हुआ, अपना डिसीज्ड तारिक अली इन लोन से मतलब मंथली वसूली टाइप में 1 लाख का डिमांड कर रहे, नहीं तो मैं मतलब पुलिस अथॉरिटीज़ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मैं इन्फॉर्म करूँगा, तेरे पे केसेस बुक करवा दूँगा बोल के उसको धमकी दिया। ये एक इशू है, झगड़ा है इन लोगों के बीच में। और इसके अलावा अक्टूबर महीने में करमान घाट में एक सामा बार एंड रेस्टोरेंट में ये अक्यूज इसमें A1 और इन लोगों का गैंग दारू पीते टाइम पे दूसरे गैंग से झगड़ा हुआ, इसमें तारिक अली इन्वॉल्व होकर मतलब 2 लाख अपना छोटू से लेके सेटलमेंट करने के लिए कोशिश किया, वो भी एक इशू इन दोनों के बीच में चल रहा था। तभी छोटू और जो भी ये अक्यूज्ड है प्लान करके अपना तारिक अली को एलिमिनेट करेंगे बोल के प्लान किया। और 18 दिसंबर के दिन रात में सब लोग तारिक अली घर के बगल में अफरोज का घर है उसमें सब लोग मतलब पार्टी कर रहे, उस टाइम पे डिसाइड किया प्लान करके तारिक अली को मारेंगे बोल के। वहीं पे रेकी किया ये तीन बाइक्स में रेकी करके ये 7 लोग इन्वॉल्व होके उसको मतलब चार चाकू से मारा इन लोगों को। उसके बाद ये लोग मतलब मनियागुड़ा भाग के गए, वहाँ पे छोटू का एक रिश्तेदार है वहाँ पे उसको मतलब शेल्टर दिया वहाँ पे जो भी ये सीन में कपड़े यूज़ किए उसको जला दिया ताकि पुलिस वाले मतलब ये ब्लड स्टेंस का कपड़े पकड़ ना सके बोल के। सो उसको भी हमने 201 IPC में उसको इन्वॉल्व किया। इसमें पूरा अभी सीज्ड में इसमें 4 चाकू को सीज किया और 5 मोबाइल फ़ोन्स ये अक्यूज का और 2-3 मोटर बाइक्स जो भी मतलब अपना सीन ऑफ क्राइम में इन्वॉल्व किया इन लोगों को पूरा हमने सीज किया। और ये तारिक अली डिसीज के ऊपर भी मतलब 2 मर्डर केसेस है, एक रेन बाज़ार PS लिमिट्स में है और एक अब्दुल्लापुर में PS लिमिट्स में है, दोनों भी मतलब ट्रायल पे चल रहा था। वही मतलब ये मर्डर का मेन रीज़न है दोनों का, मतलब PDS राइस का एक इश्यू चल रहा था और बीच में अक्टूबर का भी जो भी मतलब झगड़ा हुआ उसमें सेटलमेंट के लिए ये 2 लाख लिया था। ये मोटिव है बिहाइंड द मर्डर केस। अरेस्ट किया ये बच्चों का, इसमें एक जन के ऊपर 307 केस है अटेम्प्ट मर्डर, ये संतोष नगर लिमिट्स में वो गैंग वार जैसा टाइप है। बाकी लोगों का A1 to A7 में PDS राइस का कुछ केसेस है, मतलब मेजर ग्रेव केसेस तो नहीं है, PDS राइस का ये लोग बिजनेस कर रहे हैं ना उसका कंप्लेंट में हम लोग संतोष नगर आई सदन PS लिमिट्स में केसेस बुक किया, बाकी ग्रेव केसेस नहीं है। तो इसमें सिर्फ 8 लोग ही मतलब एविडेंस मिला, 8 लोगों का हमने कंफर्म किया, अगर कुछ मतलब क्लूज और बाकी एविडेंस फर्दर इन्वेस्टिगेशन मिले तो बाकी लोगों को भी इंक्लूड करके वो लोगों को भी हम रिमांड करते। हम मतलब इन्वेस्टिगेट किया, अब तक तो मतलब ऐसा कॉरोबरेटिव एविडेंस कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि क्लीन शीट नहीं दिया हमने, अगर कुछ एविडेंसेस प्रॉपर एविडेंसेस मिले तो डेफिनेटली विल रिमाइंड हिम ऑल्सो।
किस को शो करना था? राइट सर। हाँ